इस महफिल की इस बज़्म की एक और खूबसूरत शमा से हम गुजारिश करते हैं। मैं इन चार मिसरों से मोहतरमा डॉक्टर शबिया खुर्शीद साहबा के हुजूर पहुंचता हूं कि हुस्न वालों से निगारों से सजी है महफिल, हुस्न वालों से निगारों से भरी है महफिल, आज आई नए सदरंगे खुशी है महफिल, और तुम भी आ जाओ तो जन्नत का मज़ा आ जाए, चांद तारों से बहारों से सजी है महफिल। गुजारिश करता हूँ मोहतरमा सबिया खुर्शीद साहिबा माई पर तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मैं तारिक नकाम साहब को इतनी खूबसूरत निजामत के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगी, और उसके बाद आप सबका आपका ही हथियार है ये जो आपकी जरा नवाजी ये इनके सारे हैं ये इसका इंतकाम करें। और मेरे भाई अयाज और इम्तियाज गोरखपुरी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस पूर्वकार महफिल का हम सबको हिस्सा बनाया, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग हैं। बम्बई जैसे मशहूर और मुतवातिर चलने वाले शहर में आपने अपना कीमती वक्त मुशायरे के लिए निकाला, तो आप लोग बड़े तादाद में कम हैं लेकिन 50-500 के बराबर हैं, तो आप लोगों की समातों को सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की खूबसूरत समात की नज़र कुछ अशार के तीरगी में खो के अपनी जिंदगानी रह गई, तीरगी में खो के अपनी जिंदगानी रह गई, ताक पर रखी किताबें आसमानी रह गई, ताक पर रखी किताबें आसमानी रह गई, वो कहीं खोया रहा पाजेब की झनकार में, वो कहीं खोया रहा पाजेब की झनकार में, घर के आंगन में महकती रात रानी रह गई, घर के आंगन में महकती रात रानी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया और तीरगी में खो के अपनी जिंदगानी रह गई, ताक पर रखी किताबें आसमानी रह गई, वो कहीं खोया रहा पाजेब की झनकार में, घर के आंगन में महकती रात रानी रह गई। और आपने खूबसूरत समाज की नजर और इच्छे के सब महफूज रखते इतनी गुंजाइश न थी, सब के सब महफूज रखते इतनी गुंजाइश ना थी, बात दिल में कुछ नई और कुछ पुरानी रह गई, बात दिल में कुछ नई और कुछ पुरानी रह गई। और एक बहुत हसा शेर के मुंतजिर आंखों ने थक कर छोड़ दी अपनी चमक, मुंतजिर आंखों ने थक कर छोड़ दी अपनी चमक, आए होकर कारखानों में जवानी रह गई, मुंतजिर आंखों ने थक कर छोड़ दी अपनी चमक, आए होकर कारखानों में जवानी रह गई, तीरगी में खो के अपनी जिंदगानी रह गई, ताक पर रखी किताबें आसमानी रह गई। और हमारी उर्दू जुबान जिसके तबस्सुम से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, जिसके मोहब्बतों के साए में हम सब अपने आप को मुअत्तर करते रहते हैं, उसके नजर मेरे चार मिसरे के कोई झोंका मेरे नजदीक खुशबू का निकलता है, कोई झोंका मेरे नजदीक खुशबू का निकलता है, कोई झोंका मेरे नजदीक खुशबू का निकलता है, किसी के मुंह से जुमला जब भी उर्दू का निकलता है, किसी के मुंह से जुमला जब भी उर्दू का निकलता है, अंधेरे में
नाज करने लगते हैं जब अपनी शिद्दत पर अंधेरे नाज करने लगते हैं जब अपनी शिद्दत पर अंधेरे नाज करने लगते हैं जब अपनी शिद्दत पर तो फिर एक काफिला ऐसे निकलता है कोई झोंका मेरे नजदीक खुशबू का निकलता है। और एक गजल शायर जो मुझे बहुत पसंद है और उसके बाद आप लोगों की जैसी इजाजत होगी तरन्नुम में के क्या करूं अगर तू मेरे दिल की जरूरत है तो है क्या करूं जब तू मेरे दिल की जरूरत है तो है अब इसी का नाम दुनिया में मोहब्बत है तो है अब इसी का नाम दुनिया में मोहब्बत है तो है हम तो मरते आए हैं तुम पर मरेंगे भी सदा हम तो मरते आए हैं तुम पर मरेंगे भी सदा इस तरह जीना अगरचे एक अजियत है तो है इस तरह जीना अगरचे एक अजियत है तो है कुछ नहीं गर वो जमाने की नजर में ना सही कुछ नहीं गर वो जमाने की नजर में ना सही वो निगाहों में हमारी बेश कीमत है तो है वो निगाहों में हमारी बेश कीमत है तो है और बेवजह पाबंदियों से उब जाती है हयात बेवजह पाबंदियों से शुक्रिया हजरत बेवजह पाबंदियों से उब जाती है हयात अब तेरी नजरों में ये लहजा बगावत है तो है अब तेरी नजरों में ये लहजा बगावत है तो है तुमको क्या तुम अपनी नजरों पर नजर रखा करो तुमको क्या तुम अपनी नजरों पर नजर रखा करो कोई चेहरा चांद जैसा खूबसूरत है तो है कोई चेहरा चांद जैसा खूबसूरत है तो है दो कदम गजल का मक्ता दो कदम चल के जो बदले रास्ता छोड़ो उसे दो कदम चल के जो बदले रास्ता छोड़ो उसे ऐसे भी हा वक्त में तन्हा मुसाफिर है तो है ऐसे भी हा वक्त में तन्हा मुसाफिर है तो है बहुत बहुत शुक्रिया जरा और कुछ अशार बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी और आप लोगों की खूबसूरत सामान की नजर मेरा दिल कर रहा है तरन्नुम में कुछ अशार सुनाओ दिलों पर महल जमता जा रहा है दिलों पर महल जमता मैं हाजिर करती हूँ गजल का अगला शेर के भरोसा है मुझे तेरी वफा पर मगर दिल है कि बैठा जा रहा
होशियारी कर, सियासत होशियारी कर रही है, हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है, हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। सियासत होशियारी कर रही है, हमें टुकड़ों में बांटा और गजल का अगला शेर, नहीं है उसमें इतनी काबिलियत, नहीं है उसमें इतनी काबिलियत, उसे जितना उछाला जा उसे जितना उछाला जा रहा है। कहानी कुछ से कुछ होने लगी है, कहानी कुछ से कुछ होने लगी है, इसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और ये शेर जो मुझे बहुत खास पसंद है, मेरी बेटी को रुखसत कर रही हो, मेरी बेटी को रुखसत कर रही हो, मेरे घर का उजाला जा रहा है, मेरे घर का उजाला जा रहा है। सभी हाजी सभी हाजी धुए में शामिल, किसे जिंदा जलाया जा रहा है, किसे जिंदा जलाया जा रहा है। दिलों पर मैल जमता जा रहा मगर आई न पूछा जा रहा। बैठे ना आप लोग, दो शायर हमारे दो बहुत ही मोतबर शोरा और बाकी बचे हैं, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप लोग चंद लम्हा और तवक्कुफ करें। हजरात गिरामी, जनाबे मोहतरमा सबिया खुर्शीद साहिबा आपसे मुखातिब थी, और फिल्मी दुनिया में एक इस्तेलाह चलती है कि मसाला फिल्म, और मसाला फिल्म में क्या होता है कि स्टोरी भी होती है, एक्शन भी होता है, गीत भी होते हैं, म्यूजिक भी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और मोहतरमा सबिया खुर्शीद साहिबा की गज़ल भी ऐसा ही मजमुआ था जिसमें इश्क महबूब भी था, इश्क मजाजी और हकीकी भी था, और ज़माने के रोज़गार और ज़माने के सितम भी उसमें शामिल थे। बहुत ही खूबसूरत अशआर मोहतरमा सबिया खुर्शीद साहिबा ने कहे।